ये मेरी कैनवुड माइक्रोवेव ओवन की अनदर वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी डिफ्रॉस्ट के बारे में। आप लोगों ने इसमें देखा होगा, इसमें एक ऑप्शन आता है वेट टाइम एंड डिफ्रॉस्ट। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैं हम लोग डिफ्रॉस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम अपना स्विच ऑन कर लेते हैं। नाउ स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, मैंने पहले से ऑलरेडी यहाँ पर अपना नॉनवेज निकाल के रखा है। ये मीट है जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीज है, ऐसे आप देख सकते हैं। ओके, ये बहुत फ्रीज है, मैंने अभी अभी फ्रीज़र से इसे निकाला है। आई एम जस्ट टेकिंग इट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिफ्रॉस्ट का बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए D1 आ गया है। फिर आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से, जितना भी आपका चिकन मटन या वेज है, जो भी फ्रीज़ है एकदम, उसके हिसाब से आप यहाँ पर टेम्परेचर सेट कर लेंगे। मेरा तो बहुत ज़रा सी क्वांटिटी है, तो इसलिए मैं बहुत लो टेम्परेचर सेट करूँगी। आप अपने हिसाब से वो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। मैं 110 पे सेट कर रही हूँ। और उसको सेट करने के बाद मैं ये अपना मीट जो है इसके अंदर रख देती हूँ। एंड जस्ट स्टार्ट। सो इट विल टेक 3 मिनट्स, शोइंग 3 मिनट 48 सेकेंड्स। सो लेट्स सी आफ्टर 3 मिनट 48 सेकेंड व्हाट विल बी द रिजल्ट। ओके, तो टाइम हो चुका है। चलिए देखें क्या हुआ हमारे नॉनवेज के साथ। ये देखिए, इसकी पूरी आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी है, और जो मेरा नॉनवेज है वो अलग अलग हो गया है, पूरा मेल्ट, उसका आइस मेल्ट हो गया है, वो पूरा अलग अलग आराम से छूट गया है। ठीक है, तो अब आप होप आप समझ गए होंगे कि डिफ्रॉस्टिंग क्यों होती है और किस लिए होती है, और बहुत ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं डिफ्रॉस्टिंग अपने नॉन वेज वेज के लिए। जो भी हमारे फ्रीज़र में है आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना हो, या अगर आपको कोई और इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी।